बड़ी मुश्किल से आया हो, आप उसको कह दो जा मेरे भजन सुनेगा तो तू करोड़पति हो जाएगा। वो बेचारा मर गया, उसे क्यों नहीं कहते जा उस दरबार में जहां से मैं इस लायक हुआ तू भी बन जाएगा। मेरी बात बन रही है, 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 तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, ये रात ढल रही है, ये रात ढल रही है, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते, कर दो भटका बहुत जहां में, भटका बहुत जहां में, मंजिल मिली न मुझको, भटका बहुत जहां में, मंजिल मिली न मुझको। बाबा बाबा मंजिल भी मिल रही है, मंजिल भी मिल रही है। अभी भी कितनों को भरोसा नहीं है, भरोसा करोगे तभी मिलेगी। जरा हाथ ऊपर करके बोलो मंजिल भी मिल रही है, मंजिल भी मिल रही है, तेरी राह चलते चलते, तेरी राह चलते चलते, तेरी राह चलते चलते, तेरी राह चलते चलते। एक बार गाओ, मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, साबित करके जाऊंगा कि ठाकुर की बात करते करते कैसे बात बन जाती है। जो कुछ कहूंगा शास्त्रों से कहूंगा, अलग से कुछ नहीं, बिना लॉजिक कोई बात नहीं। बजाओ एक बार तालियां थोड़ी देर।
मुझे दे गई उजाला, मुझे दे रही उजाला। इस जोत का मतलब समझा रहा हूं। अच्छा खासा कीर्तन चल रहा हो, लोग भजन नहीं सुनते, लाइन लगाकर गिरे पड़े हैं एक दूसरे के ऊपर कि हम भी जोत ले ले, हम भी जोत ले ले। इस जोत का मतलब क्या है? ये जोत आप दर्शन करिए और यहां जलाइए, मतलब अंदर जलनी चाहिए, फिर देखो, फिर गाओगे। मुझे दे गई उजाला, मुझे दे रही उजाला, मुझे दे रही उजाला, मुझे दे रही उजाला। तेरी जोत जलते जलते, तेरी जोत जलते जलते, तेरी जोत जलते जलते। अब आप पूछ सकते हो कि यहां जलाकर बैठे हैं, यहां आग यहां जला के बैठे हैं? नहीं, कौन सी आग? उस 16 साल के बालक बर्बरीक में कौन सी आग जलती थी? सृष्टि के कल्याण की। और सृष्टि के कल्याण के लिए उसके मन में भाव था कि सृष्टि का कल्याण करना है, और सृष्टि के कल्याण के लिए उस बालक ने सर कटा दिया। तो उसकी जोत जलाओ कि बाबा तेरे दरबार से कुछ लेकर जा रहे हैं। अगर मेरे सामने भी कोई हारा हुआ आएगा तो जैसे तूने मेरा हाथ पकड़ा मैं उसका हाथ पकड़ूंगा, तब वो हारा हुआ कहेगा ये बाबा का प्रेमी है। मुझे दे रही उजाला, मुझे दे रही उजाला, तेरी जोत जगते जगते, तेरी जोत जगते जगते। एक बार गाइए, हाथ नीचे करिए लेकिन ताली बजा के बोलिए, मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है। 2 मिनट का समय लूं, बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, अगर बोलो तो मैं भी नाचूं ऐसे ऐसे करके, हाँ? मुझे आता है, मैं भी 4 फीट कूदता हूं। बोलो, अगर उससे आपका भला हो जाए तो 6 फीट कूद लूं। अरे एक बार मोच आ जाएगी और क्या होगा। अगर मेरे कूदने से आपको कुछ मिल जाए तो बताओ कूद लूं क्या? आए हो दूर दूर से, कुछ ऐसा ले जाओ कि जीवन समर जाए। एक बार गाओ, मेरी बात बन रही है। तेरी बात करते करते, मेरी बात करते करते, कैसे बनी बात? बस 5 मिनट। आपने विदुर जी का नाम सुना होगा, विदुर, विदुर नीति। विदुर जी कौन थे सबको नहीं मालूम है, लेकिन बता दूं मैं, विदुर जी कौरवों के मंत्री थे, दुर्योधन के महल में मंत्री थे, दुर्योधन की सरकार में, दुर्योधन के राज दरबार में मंत्री थे। लेकिन विदुर जी बड़े धार्मिक थे, विदुर जी की पत्नी भी बहुत धार्मिक, धर्मात्मा जिसे कहते हैं, वचनों के अधीन थे, किसी वचनों के अधीन होकर वो पापी की नौकरी करते थे। लेकिन विदुर जी, पापा जी तनख्वाह नहीं लेते थे कि पाप का पैसा घर ना जाए, झोपड़ी में रहा करते थे, झोपड़ी में। और पति पत्नी यही कहते थे, मेरी बात, क्या कि हमारा ठाकुर हमारे घर कब आएगा, कब आओगे कन्हैया मेरे घर, आपस में बातें कर रहे हैं। देखो ठाकुर की बात जब होती है घरों में तो संस्कार कैसे बदलते हैं और कृपा कैसे होती, सुन लेना। एक दिन श्री कृष्ण आए
हस्तिनापुर। दुर्योधन को यह समझाने कि दुर्योधन पांडवों को 5 गांव दे दो, महाभारत का युद्ध टल जाएगा। दुर्योधन ने कहा, देखो माधव तुम्हारा स्वागत है, लेकिन 5 गांव की बात करते हो, सुई की नोक की बराबर भूमि नहीं दूंगा, युद्ध लड़ूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, जैसी मर्जी, मेरा काम था समझाना, मैं जा रहा हूं। कन्हैया जब चलने लगे तो दुर्योधन ने आवाज लगाई, माधव क्षमा करो, मेरे महल में आए हो, ऐसे मत जाओ, जलपान ले लो, कुछ भोजन कर लो। सुनो 2 मिनट, भोजन कर लो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन, इंसान 2 परिस्थितियों में बाहर भोजन करता है, या तो वो अत्याधिक भूखा हो, भूख बर्दाश्त ना हो रही हो, तब वो बाहर भोजन करता घर के, और या फिर सामने वाला बड़े प्रेम से निमंत्रण दे दे कि खा लो ना थोड़ा सा, तब कर लेता है। सुनो, पहली बात, भूख तो भूख लगी नहीं, आवश्यकता है नहीं, और दूसरी बात प्रेम की, तो तुमसे पहले प्रेम का निमंत्रण विदुर काका ने मुझे भेज दिया था। प्रदीप भाई, विदुर जी रोने लगे, विदुर जी रोने लगे कि मैंने कब भेजा था निमंत्रण, मैं तो अपनी पत्नी से बातें करता था, मेरा ठाकुर कब आएगा, मैंने निमंत्रण कब दिया इन्हें, मैंने निमंत्रण कब दिया। लेकिन विदुर जी मन ही मन धन्यवाद कर रहे हैं कन्हैया के, वारे ठाकुर, वारे कन्हैया, कल इसी दरबार में मेरा अपमान किया था दुर्योधन ने किसी बात को लेकर, और आज तूने दुर्योधन का निमंत्रण, महलों का निमंत्रण ठुकरा करके, इस गरीब का मौन निमंत्रण स्वीकार करके मेरा मान बढ़ा दिया। विदुर जी घर की तरफ दौड़ पड़े, दरवाजा खटखटाया, विदुरानी ने दरवाजा खोला, कहने लगे, भाग्यवान सुन ली कटुल पुकार मेरी, ठाकुर आ रहा है, 3 लोगों का मालिक भोजन पे आ रहा है, जीवन सफल हो गया, झोपड़ी के भाग जाग गए। विदुरानी ने कहा, घर में खाने को कुछ नहीं है, क्या खिलाओगे, सिर्फ 5-6 केले हैं, 5-6 केले हैं। विदुर जी ने कहा, चिंता मत करो, टोकरी दो, बाजार से लाता हूं। विदुर जी गए बाजार, हलवाई से बोले, भाई बढ़िया मेवे के लड्डू बना, 3 लोगों के मालिक को भोग लगाना है। विदुर जी भोजन की व्यवस्था में थे। अब यहां बात ध्यान से सुनना, 2 मिनट, बड़े ध्यान से सुनना, ये अमृत है, अगर चूक जाओगे तो। इधर विदुर जी भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, मेरा मुरली वाला विदुर जी की झोपड़ी पे पहुंच गया, दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया, कहने लगे, काकी काकी दरवाजा खोलो, कृष्ण आया है। पापा जी, काकी दरवाजा खोलो, कृष्ण आया है। विदुरानी स्नान कर रही थी, विदुरानी स्नान कर रही थी, आवाज सुनी तो मेरे कृष्ण को मेरी प्रतीक्षा ना करनी पड़े, अधीर हो उठी कि मेरे कृष्ण को मेरी प्रतीक्षा ना करनी पड़े। गीले बदन विद्रानी ने कपड़े वैसे ही लपेट लिए, ठीक से पहने भी नहीं, और दौड़ पड़ी, दरवाजा खोल दिया। मुरली वाले ने देखा कि काकी ने कपड़े भी ठीक से नहीं पहने, मेरे ठाकुर ने अपनी काली कंबली उतारी, काकी को उड़ा दी। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, बुरा मत मानना, इसका मतलब समझते क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि ठाकुर से मिलने जाने के लिए तन के श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, मन का श्रृंगार जरूरी होता है। ये 2-2 घंटे मेकअप में, आपको तो कोई बात नहीं, हमारी बहनें आजकल गाने आ रही हैं,
दो घंटे पहले मेकअप करके तब चलती है। जो खुद नहीं मिलेगा वो क्या मिलाएगा ठाकुर से? आप ठाकुर से मिलने के लिए मन के श्रृंगार की जरूरत है, तन के श्रृंगार की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात सुनना, दरवाजा खोला, उंगली पकड़ के कृष्ण की विदुरानी लेके आई अंदर, कहती यहां बैठो। फिर कहती नहीं नहीं यहां नहीं, यहां बैठो। बोले यहां नहीं, यहां बैठो। कृष्ण ने कहा काकी इतनी जोर भूख लगी है और घर घुमा रही हो, झोपड़ी घुमाए, अपना घर घुमाए जा रही हो, अरे कहीं बिठा के कुछ खिलाओ। कन्हैया बैठ गए। विदुरानी केले लाई है और मेरे ठाकुर के दर्शन में इतनी लीन है, इतनी लीन है, केले छिलती है, गूदा फेंक देती है, गिरी फेंक देती है और छिलका मेरे कन्हैया के मुंह में। मेरा मुरली वाला, मेरा ठाकुर कितना नम्र है, दिखावे से कितना परे है। लोग इसे दिखावा करके पाना चाहते हैं, लेकिन वो देखो दिखावो से परे काकी के छिलके खाए जा रहा है, विरोध नहीं कर रहा। विदुर जी दरवाजे पे खड़े हैं, चिल्ला रहे हैं, अरे पागल हो गई है, बावली है, छिलके खिलाती है मेहमान को। कन्हैया ने मना किया, काका रहने दो अच्छा लग रहा है। नहीं माने, दौड़ करके सीधा सीधा चलते रहे, दौड़ करके विदुर जी विदुरानी को झंझोड़े हैं, ए क्या कर रही है, छिलके खिला रही है। विदुरानी की आंख में आंसू आ गए। विदुर जी ने कहा कन्हैया क्षमा करना, ये लड्डू खाओ, अभी भी बनवा के लाया हूं। मेरे ठाकुर ने एक टुकड़ा तोड़ा, मुंह में डाला और डालते ही कह दिया काका आनंद नहीं आया, आनंद नहीं आया, आनंद नहीं आया। विदुर जी रोने लगे, स्वागत में कोई कमी रह गई, क्षमा करना, हम गरीबों के पास यही है। तो जानते मेरे ठाकुर ने क्या कहा? मेरे ठाकुर ने कहा नहीं काका ऐसी बात नहीं है, इन युगों में आज नहीं कई युगों में, इन युगों में सिर्फ दो बार मैंने मन से खाया है और पेट भर खाया है। पहली बार त्रेता में जब शबरी ने जूठे बेर खिलाए थे तब मैंने पेट भर खाया था। पहली बार त्रेता में जब शबरी ने झूठे बेर खिलाए थे तब पेट भरा था, आज काकी ने छिलके खिलाए तब पेट भरा है। 56 भोग खिलाने वालों, 56 भोग के डब्बे घर ले जाने वालों, लोगों में बूंदिया बांट के 56 भोग के डब्बे छिपा के घर ले जाने वालों, सुन लो समझ लो, मेरी बात बन रही, मेरी बात बन रही है, तेरी बात करते करते, मेरी बात करते करते, एक और दोनों हाथ ऊपर करके, कोई हाथ नीचे नहीं, सबकी बात बनाएगा मिलकर। आपकी भी सिर्फ एक बात कह देना आज कि बाबा तेरी शरण में आए हैं हम, मेरा हाथ थाम रहना, मेरा हाथ थाम रहना। उठा करके हाथ बोलो जरा जोर से, कौन कौन पकड़वाना चाहता ताली बजा के कहना, मेरा हाथ थाम रहना।
दर आपका न छूटे, दर आपका न छूटे, दर आपका न छूटे, दर आपका न छूटे, रोमी से मरते मरते, रोमी से मरते मरते, रोमी से मरते मरते, रोमी से मरते मरते, मेरी बात बन गई। ये बात कभी मत कहना कि उसकी बन गई, इस बात पे भरोसा रखना मेरी भी बन रही है, मेरी बात बन रही। भाई अलग अलग रोग होता है, कोई 3 दिन की दवा से ठीक हो जाता है, कोई 3 महीने की दवा से ठीक होता है, कोई 3 साल की दवा से ठीक होता है, लेकिन डॉक्टर पे भरोसा रखना पड़ता है। दवा बीच में छोड़ दोगे तो रोग कैसे ठीक होगा? उठाओ जरा हाथ और कह दो मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, ये रात कट रही है, ये रात कट रही है, ये रात ढल रही है, ये रात ढल रही है, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, तीस वर्षों से खाटू आ रहा हूं। मैंने प्रभु से कभी एंटरटेनर की नौकरी नहीं मांगी कि लोगों का मनोरंजन करूंगा तो लोग बुलाएंगे। मैंने हमेशा कहा ठाकुर मनोरंजन करना होता तो कहीं और जाता, सर्कस वर्कस में मनोरंजन करता लोगों के, यहां तो मोटिवेटर बनने आया था कि मुझसे कोई जुड़ करके, बाबा से जुड़ करके, कोई मुझसे मोटिवेट हो, बाबा से जुड़ जाए तो हो सकता है मुझे भी आशीर्वाद दे जाए, मेरी भी बात बन जाए, क्योंकि मैंने आपके साथ ठाकुर की बात की है। मैं भी इसी भरोसे के साथ खाटू से जाता हूँ कि मेरी बात बन रही है, तेरी बात करते करते, तेरी बात ते, आपका एक सवाल पूरे श्याम जगत से कि ये भजन गायकों से भजन से कैंसर ठीक हो जाते हैं, कई तरह की बीमारियों का इलाज हो जाता है, तो ये सच है प्रेमियों? एक जमाना खाटू में ऐसा था कि ऊंट गाड़ी में बैठकर आना पड़ता था, रास्ते नहीं थे, रेत के टीले, और काम बनाना बिगड़ी बनाना इसका काम है। तो मैं रोमी भैया की बात के समर्थन में एक बात कहता हूँ कि अरे वो गायक क्या करेंगे जब सुनने वाले ही खुद ऐसे हैं। अरे जब मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल यहाँ है जिसमें हर बीमारी का इलाज है, तो फिर किसी भजन गायक के इलाज की जरूरत क्या है? है किसी को इलाज की जरूरत? तो उठाइए हाथ और जयकार ऐसी कि यहां से निकले और पूरे जगत में गूंजे, बोल खाटू नरेश की, बोल काम बनाने वाले।